हैं अवॉइड टोबैको अल्कोहल अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स फ्रेश खाना खाइए जो लोकल होता है बाहर से खरीदा हुआ जो डब्बों में आता है खाना या कोई फल है जो बहुत दूर से आता है जिसको कि प्लेन्स में कीवी हुआ जो हमारे यहाँ नहीं उगता है ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए लोकली ग्रोन चीज़ें खाइए सीजनल फल और फ्रूट खाइए सो ए से ये हुआ बी से है बी काम बी वैक्सीनेटेड दो वैक्सीन्स हैं जो कैंसर को प्रिवेंट करती हैं एक हेपेटाइटिस बी है जो हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में ही है और दूसरी है एचपीवी वायरस की वैक्सीन जो अब हमारे स्केड्यूल में आ गई है ये सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करती है सो बी वैक्सीनेटेड अपने बच्चों को प्लीज वैक्सीनेट करवाइए क्योंकि उससे क्या है उनका भविष्य और भी उज्जवल होगा सी से बी काम और कंप्लायंस मतलब कि आप योगा मेडिटेशन इस तरह की स्ट्रैटेजीज करिए क्योंकि स्ट्रेस से भी बोलते हैं कि कैंसर से उसका डायबिटीज से ब्लड प्रेशर से भी कुछ ताल्लुक है और कंप्लायंस मतलब आपको जो डॉक्टर टेस्ट बोलते हैं चाहे डायबिटीज हो ब्लड प्रेशर के लिए हो साल में एक बार अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए डी से डाइट मैंने बोल दिया है आपको बैलेंस डाइट खाना चाहिए ई से एक्सरसाइज वॉकाथॉन का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि आप एक्सरसाइज करें एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस को समझें क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें कैंसर होने की संभावना करीब 50% कम हो जाती है एक्सरसाइज से मतलब है कि आप वॉकिंग इज नॉट एक्सरसाइज अगर आप वॉक कर रहे हैं और बगल में जो आपके साथ चल रहा है उससे बात कर सकते हैं या फोन पे बात कर सकते हैं तो वो एक्सरसाइज नहीं है एक्सरसाइज वो है कि जब आपको थोड़ा सांस फूल जाए आपका थोड़ा हार्ट रेट बढ़ जाए सो दैट इज एक्सरसाइज वो 30 से 45 मिनट आपको करना चाहिए एफ इज फैमिली हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली में डायबिटीज ब्लड प्रेशर कैंसर है तो संभावना है कि वो जीन आपके माता पिता से आपको भी मिल गया हो और आपको भी हो सकता है तो उसकी जांच आप कम से कम एक दशक एटलीस्ट अ डेकेड अर्लियर यू शुड स्टार्ट स्क्रीनिंग और एस से स्क्रीनिंग है हमारी मैमोग्राफी वैन है वहाँ भी है हम मैमोग्राफी है कोई ऐसा नहीं लगता है और सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मियर करते हैं और मुंह के कैंसर की जांच करते हैं जो छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन है तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है स्लीप इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सो कैंसर इज ऑल अबाउट लक लेगेसी एंड सो लक होता है कई बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं खाया और फिर भी कैंसर हो गया हम तंबाकू नहीं लेते हैं तो वो एक छोटा प्रपोर्शन है जहाँ हमें नहीं मालूम और उसके लिए हम शोध कर रहे हैं कि क्यों कुछ लोगों को कैंसर होता है खासकर लंग यंग लोगों को पर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप स्वस्थ रहिए एक्सरसाइज करिए बिकॉज स्वस्थ आप हैं तो स्वस्थ भारत है